हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेके आऊंगी वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो एक मूवी आई है शिद्दत, उसका मैंने ये बनाया और पूरा मैंने पोस्टर क्रिएट करने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने लास्ट वाली अपनी वीडियोज़ है जैसे कि मैं क्रिएट करता हुआ आ रहा हूँ वैसे ही कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है। इसमें भी थोड़ा सा नया है। इसमें नया क्या है, इसमें मैंने वाटर कलर, पेंसिल कलर, ग्रेफाइड, इन तीनों का मैं इसमें यूज़ करके और ये ड्राइंग को बना रहा हूँ। इसको मैं बनाऊँगा दो या तीन पार्ट में बनाऊँगा, मैं अब ये डिसाइड नहीं किया है मैंने कि तीन पार्ट में बनाऊँगा, लेकिन हाँ दो पार्ट में तो मिनिमम बनेगी ये ड्राइंग। इस वाले पार्ट में मैं आप लोगों को जो इसमें हीरो हैं और जो हीरोइन है उनका एक एंडिंग का सीन है। अगर ये आपने फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत ही सही मूवी है। ये हॉटस्टार पर है और हॉटस्टार प्रीमियम पर है। सब्सक्रिप्शन होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं होगा तो ले लेना, क्योंकि बहुत ही सही मूवी है और देखना आप इसको। मेरे को बहुत सही मूवी लगी, फिल्म को मैंने दो बार देखा है और काफ़ी सही लगी। अब ये मत कमेंट में करने लग जाना कि एक बार में समझ में नहीं आई क्या, एक बार में समझ में आ गई तभी दूसरी बार देखा कि बहुत ही सही लगी मुझे मूवी, ठीक है। आप लोग भी देखना और इसके गाने जो हैं सारे ही गाने मस्त हैं। इसके गाने आजकल ऐसा हो रहा है कि डेली ही सुन रहा हूँ मैं, कानों में बजे ही जा रहे हैं। मैंने इनका बनाया है, ये मैंने बनाया है वाटर कलर से। इसमें मैंने ब्रूस्टो पेपर यूज़ किया है 200 GSM का और काफ़ी सही टेक्निक यूज़ की है और जो इसमें टेक्सचर आया है वो बहुत ही सही लगे हैं मेरे को, मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसमें मैंने पहले वाटर कलर की, बेसिकली देखो होता ही है कि मैं ना तीन लेयर में काम करता हूँ वाटर कलर में। पहली लेयर में थोड़ी सी लाइटली चलाता हूँ, उसके बाद सेकंड लेयर थोड़ी सी डार्क और थर्ड लेयर में मैं इसमें डिटेलिंग कर देता हूँ। तो मैंने इसमें तीन लेयर तो करे हैं वो, बट जो थर्ड वाली लेयर है वो कंप्लीट नहीं करी। वो थर्ड वाली लेयर को मैंने कंप्लीट किससे किया है, पेंसिल कलर इसके ऊपर थोड़ा सा चलाकर। आप देखोगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लू शेड दिया है, ब्लू एंड हल्का उसमें ब्लैक मैंने मिलाया है और काफ़ी सही लगा है वो, क्योंकि उनका जो दोनों का फेस है वो बहुत ही गोरा है और गोरे की वजह से पेपर भी लाइट है और ये भी गोरा है। तो पीछे वाला एरिया अगर हम डार्क दिखा देते हैं तो इन दोनों का जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर बन के निकलेगा। तो इसलिए मैंने ये वाला शेड इसमें दिया है। आप लोग देखोगे तो आपको बहुत ही सही लगेगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मूवी ज़रूर देखना, मूवी देख ली होगी तो कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि इसके जो डायलॉग्स हैं और जो स्टोरी है और सबकी एक्टिंग बहुत ही सही लगी मेरे को। जब भी ड्राइंग बनाता हूँ ना तो मेरी टेक्निक ये रहती है कि मैं जिससे के भी रिलेटेड ड्राइंग बना रहा हूँ, सपोज करो मैं इसी मूवी की ड्राइंग बना रहा हूँ, शिद्दत मूवी का, तो मैं इसके ही गाने सुनता रहता हूँ ताकि मैं इस जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ उससे कनेक्ट हो पाऊँ। और जैसे सलमान खान की मैं ड्राइंग बनाता हूँ तो सलमान खान के ही गाने मैं सुनता हूँ, या फिर जिसकी भी मैं पेंटिंग बनाता हूँ उससे रिलेटेड उसके गाने या फिर उसके थॉट्स या फिर कुछ भी चल रहा है। जैसे संदीप महेश्वरी की मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो संदीप महेश्वरी के लेक्चर ही चलते रहेंगे ताकि मैं उस ड्राइंग से कनेक्ट हो पाऊँ, मुझे लगे कि हाँ मैं एक्चुअल में उसको फील कर पा रहा हूँ। ये मतलब मेरा अपना प्रोसीजर है, आप लोगों का अलग होगा। तो आप लोग देखना इस मूवी को और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो देव महादेव में जो मोहित उनका नाम है शायद में वो भी है इस फिल्म में और उनकी भी एक्टिंग बहुत ही सही है। आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मूवी देखना और इसको भी आप लोग जरूर देखना जो मैंने ये ड्राइंग बना रहा हूँ। और सेकंड वाला पार्ट का भी, सेकंड वाला जो इसका पार्ट है फ्रेंड्स वो भी बहुत जल्दी आएगा, तो फिक्र मत करना बिल्कुल भी। वीडियोस थोड़ी लेट होती थी लेकिन अब जो है अब लेट नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन साथ में जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या होता है ये प्यार, कैसे निभाते हैं इसे? हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी है। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, शिद्दत। तुझको बना दूं मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं, मांगूं दुआ साथ होने की तेरे कांधे पे सर रख सकूं। I'm
हैं इसे। हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी है। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, शिद्दत।